दोस्तों कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक न्यूज वाले भाई साहब एक मसीह भाई के ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वह वीडियो बहुत लंबी थी, इसलिए हमने उस वीडियो का सिर्फ आधा भाग ही आपको दिखाया था। लेकिन इसके आगे उस न्यूज वाले भाई साहब ने वहाँ पर एकत्रित हुई कुछ महिलाओं को भी धमकाते हुए कहने लगे कि आप सब यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके उनका धर्म परिवर्तन करवाते हो और उनका ब्रेन वॉश करवाते हो। जबकि वे सारी महिलाएं अपनी मर्जी से वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए गई थी, फिर भी हमारे इस न्यूज वाले भाई साहब ने उन महिलाओं के ऊपर झूठे धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। तो चलिए पहले आप इस वीडियो क्लिप को देख लीजिए, फिर इस विषय पर आप अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। झूठा ढपोसला आडंबर है। अभी कम से सुनो, सुनिए मेरी बात, कम से कम 20-30 लोग तुम्हारे इस गैंग में से ऐसे निकले हैं जो आए कि भैया हम तो देखने आए थे, आज हमने देख लिया क्या पूरा मामला है। इसी तुम लोग सुनो, तुम भी 20 दिन पहले आई होगी, उस टाइम तुम्हारे दिमाग क्या रहती यही होगी। लेकिन ये धीरे धीरे जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है ना, इसको हमें खत्म करके रहना। ये देख छोटी छोटी बालिकाएं और बच्ची है, वो स्कूल कॉलेज जाती है अपने, तुमने यहाँ इस आडंबर में इसको फंसा दिया कि ईसा मसीह ठीक कर देगा, मुझे कर देना ठीक। दोस्तों पहली बात मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जैसे कि पहले ही वीडियो में कहा था कि संविधान किसी भी धर्म को अपनाने या किसी भी भगवानों के ऊपर विश्वास करके उसकी प्रार्थना करने का अधिकार देता है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, ये भाई उन महिलाओं के ऊपर जिस प्रकार से क्रोधित होकर गुस्से से भड़क रहे हैं, शायद उनको ये नहीं पता कि क्रोध के बारे में उनके ही धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता क्या कहती है। भगवद गीता 16 अध्याय श्लोक नंबर 21 में लिखा है, इच्छा क्रोध और लोभ ये नरक का त्रिगुणात्मक द्वार है जो स्वयं के लिए विनाशकारी है, इसलिए इन तीनों चीजों का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि इच्छा क्रोध और लोभ करने वाले नरक ही जाते हैं। और यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा हम सब से कहा है कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। अभी आगे देखिए वो भाई साहब उन महिलाओं को और क्या क्या बातें बोल रहे हैं। पटरी पे लेट जाओ, बचा लेगा मेरे को, तुमने तो कोई लेट के लेगा, ईसा मसीह बचा लेगा तुम्हें। अरे दुनिया में डॉक्टर, ये सारा पूरा सिस्टम वैसे ही चल रहा है, ईसा मसीह ऐसा ही ठीक कर देता। थोड़ा सा तुम्हारे यहाँ तो ईसा मसीह गया है। यूरोपियन कंट्रीज में इनमें तो पुराना है ईसा मसीह, पहले से है तुम्हारे से। वहाँ पे अस्पताल और पूरा सिस्टम क्यों चल रहा है तू बता, बहन पढ़ी लिखी है, क्यों चल रहा है वहाँ पे? अगर ऐसे ही बीमारियां ठीक हो जाती सपने से, सपने क्यों डॉक्टर बनता, इतना पैसा क्यों खर्च करता जी हो, उनसे बाहर बुला लो, फोन कैमरा बातचीत कर लेता हूँ, आगे नहीं चल रहा, तुम आवाज है ही मेरी है। दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात सुना, ये भाई साहब बोल रहे हैं कि अगर ईसा मसीह ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं तो फिर विदेशों में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स और अस्पताल क्यों हैं, जबकि वहाँ पर तो पहले से ही यीशु मसीह और ईसाई धर्म मौजूद है। दोस्तों हम सभी को वचन के आधार पर यह जानना आवश्यक है कि क्या इस धरती पर यीशु मसीह सिर्फ चिन्ह और चमत्कार दिखाने तथा रोगियों को चंगा करने के लिए ही आए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि यीशु मसीह यहाँ पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और हम सभी मनुष्य जाति यानी कि संसार के हर एक मनुष्य के पापों के लिए अपना जीवन देने के लिए आए थे। हाँ, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं, बिल्कुल यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में लोग पहले भी चंगे हुए, आज भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे। और दोस्तों हमारे भारत के कुछ लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह तो अंग्रेजों के परमेश्वर हैं, लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह कोई विदेशी प्रभु या अंग्रेजी परमेश्वर नहीं है, बल्कि संसार के हर एक मनुष्य के प्रभु है। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। आपने अंदर कौन सा पोस्टर ऐसा लगा रखा है जो सर्व धर्म की बात करता हो? एक पोस्टर ऐसा लगा रखा है आपने जो सर्व धर्म की बात करता हो? सारे के सारे ईसाई धर्म से संबंधित पोस्टर लग रहे, उसी धर्म से संबंधित कीर्तन हो रहे, हालेलुया हालेलुया करके चिल्लाते हैं, अंदर ईसा मसीह की बात करते हैं और परमात्मा के करने से इनके सारे कष्ट और सारे दुख दूर हो गए हैं। तो इस भाई के बातों से यह साफ प्रतीत होता है कि इनके अंदर यीशु मसीह और ईसाइयों के प्रति कितना ज्यादा जलन और नफरत का भाव है। लेकिन यीशु मसीह ने तो कभी किसी को नफरत नहीं किया और ना ही नफरत करना सिखाया, बल्कि उन्होंने हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाया और हमें हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करने को कहा। देखिए, अगर कोई दारू पीना, नशा करना छोड़ दे, गंदी हरकतें करना बंद कर दे और हर प्रकार की बुराई छोड़कर अच्छाई को अपनाए, तो विरोधी लोग वहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अगर धर्म परिवर्तन करने से लोगों के अंदर बुराई छोड़ अच्छाई का स्वभाव आता है, तो मेरे हिसाब से तो सभी को ऐसा ही करना चाहिए, ताकि सभी लोग पवित्रता को अपनाएं
और परमेश्वर की दृष्टि में हर कोई धर्मी बन जाए। दोस्तों, विरोधियों के द्वारा हमेशा से ही मसीहों के ऊपर सताव होते आ रहे हैं और आगे भी इसी प्रकार मसीहों को सताव का दुख उठाना होगा, पर उनसे हमें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। पहला पत्रस 3:14 में लिखा है, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आगे भी इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखे। आमीन।